अस्सलाम वालेकुम। आज कीमा पास्ता बना रहे हैं, जिसके लिए पास्ता लिया है 300 ग्राम, कीमा 500 ग्राम, टमाटो प्यूरी बनाने के लिए 3 से 4 टमाटरों को पीस लिया था, 1 अदद कटी हुई शिमला मिर्च, 1 अदद कटी हुई प्याज, 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, नमक और मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, और 3 खाने के चम्मच टमाटो केचप। पास्ता बॉईल करने के लिए पानी को गर्म कर लिया है। अब इसमें 1 चाय का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच ऑयल डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पास्ता डाल देंगे। आठ से नौ मिनट तक पास्ता को बॉईल कर लेंगे। पास्ता को बॉईल कर लिया है, यहाँ 4 खाने के चम्मच ऑयल को गर्म कर लिया है। अब इसमें प्याज डालकर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज को 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कीमा डाल देंगे। पाँच से छः मिनट तक कीमे को पका लेंगे। कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो इसमें लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और नमक डालकर 1 से 2 मिनट तक इनको पका लेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसमें टमाटो प्यूरी और आधा कप पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। दस मिनट तक कीमे को पका लेंगे। दस मिनट तक कीमे को पका लिया है। अब इसका पानी खुश्क कर लेंगे।
कीमे को पका लिया है। जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो इसमें टमाटो केचप डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कटी हुई शिमला मिर्च और उबली हुई मैक्रोनी डालकर मिक्स कर लेंगे। कीमा पास्ता तैयार है, अब इसको सर्व करेंगे। कीमा पास्ता तैयार है, बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है। आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपका कीमा पास्ता कैसा बना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।